लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो तुम क्या समझते हो कि बच्चे बदले लेने से तुम बच जाओगे? जब पुलिस को पता चलेगा कि नामदेव तुम हो तब क्या होगा? और जब उसी पुलिस को पता चलेगा कि जग्गी के असली कातिल तुम हो तब क्या होगा? इसका सबूत किसके पास? सबूत? बास्टर्ड, सबूत ये है। Hold it. अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसकी मौत उसके पीछे खड़ी है। डॉन? कौन हो तुम? डॉन, मैं ही तुम्हारा असली डॉन हूं। तुम लोग आपस के झगड़े बाद में निपटा लेना, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे पूरा करना। नामदेव, तो मेरे साथ अंदर चलोगे, ख्याल रखना। नामदेव, आज रात इस होटल की ओपनिंग के बाद तुम मेरे साथ हांगकांग चलोगे। क्यों? तुम्हारे जाने के बाद हांगकांग की पुलिस डॉन को गिरफ्तार करने आई थी, इसलिए मैं यहां डॉन को लेने आया हूं। डॉन को? लेकिन डॉन तो आप हैं। तुम्हारी नजरों में मैं डॉन हूं, लेकिन पुलिस की नजरों में डॉन तुम हो। जी हाँ, तुम। अब तुम अपने आप को वहां की पुलिस के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द ही तुम्हें वहां से आजाद करवा लूंगा और तुम्हारी बेगुनाही का ये सबूत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारे हवाले कर दूंगा? अगर मैं इनकार कर दूं तो? नहीं करोगे, और अगर करोगे तो यहां मैं इस सबूत के पुर्जे पुर्जे कर दूंगा और वहां बाहर मेरे आदमी तुम्हारे बेटों के टुकड़े टुकड़े कर। ये लो लो, एक एक अंगूठी तुम तीनों पहन लो। लेकिन पिताजी, ये अंगूठियां आप हमें क्यों दे रहे हैं? इन पर ईसा मसीह, अल्लाह और ओम का नाम है, खुदा की खुदाई तुम्हारे साथ है। अब तुम तीनों यहां से सीधे घर चले जाओ। नहीं पिताजी, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि यहां से चले जाओ। तुम सबकी भलाई इसी में है। और हाँ, घर पहुंचते ही फौरन मुझे इस जगह फोन कर देना। जाओ। लेकिन डॉन, इन तीनों को इधर आओ। इन तीनों को जाने दो। जाओ, जल्दी करो, जाओ। रघुवीर, दोस्त के पिता का हुक्म है इसलिए अभी जा रहा हूं, लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेने फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। एक बात याद रखो रघु, दुश्मन को कभी भी अपने घर बुलाकर मत मारो। दुश्मन को कभी अपने घर बुलाकर मत मारो। उसको उसी के घर में मारो। उसको उसी के घर में मारो। दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। और किसी को शक भी नहीं होगा। नामदेव के बेटे अपने घर सही सलामत पहुंचने की खबर अपने बाप को टेलीफोन पर देंगे, और जैसे ही वो टेलीफोन नीचे रखेंगे मेरा बेटा जबिस्को और उसके साथ ही उन्हें गोलियों का निशाना बना देंगे। नहीं
हाँ बेटे, तुम लोग ठीक तरह से पहुंच गए ना? हाँ पिताजी, आप? मैं ठीक हूँ। पिताजी आप हमारे साथ आए क्यों नहीं? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पिताजी आप कोई मुसीबत में तो नहीं है? लेकिन जब तक मैं ना हूँ तीनों इकट्ठे रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तुम? ये कौन है? डॉन का बेटा और तुम लोगों की मौत। याद है मिस्टर विकी, तुम्हारे कारण मेरे लंदन के कैसीनो का लाइसेंस कैंसिल हुआ था। आज मौका मिला है तुमसे बदला लेने का। चलो चलो। रुक जाओ, तुम लोगों की मौत की खबर सुनकर डैडी बहुत खुश होंगे। नीलडा सुना नहीं? घुटनों पे आओ। कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं? अगर होती तो भी कौन पूरी करता? तुम्हारी माँ की मौत का बदला हम लेंगे। चल, तेरा बाप तेरे फोन का इंतजार कर रहा है। उससे फोन पे बात कर और बोल कि तूने हम तीनों को खत्म कर दिया है। ये ले, बोल। ये, घुटनों पे, घुटनों पे। यस। डैडी, डैडी मैं इन तीनों को खत्म कर दिया। शाबाश बेटे, I am proud of you. See you tonight. तुम्हारे पिता की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, उन्हें जल्दी बचा लो। मैंने रिपोर्टिंग करते हुए ये भी पढ़ लिया था कि होटल के ओपनिंग के बाद वो लोग इन्हें जबरदस्ती हांगकांग ले जाएंगे। अंकल को बचाने के साथ साथ डॉन से उनकी बेगुनाही का सबूत भी हासिल करना है। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम आज जाएंगे कैसे? आज रात वहाँ मेरा और मेरे ट्रूप का प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम तुम्हारा, ट्रूप हमारा। डैडी, डैडी, नामदेव के लड़के बचकर भाग गए। भाग गए? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसके चेहरे पर ईसा मसीह की फिटकार है, अल्लाह की मार है और ओम की धिक्कार है। बेटे, मेरी बेगुनाही का सबूत इसकी जेब में पड़ा है। घबराइए मत पिताजी, वो फोटोग्राफ तो लड़कियां अपने साथ लेकर चली। चलो। चल। Thank you.
ठीक है, चलो, सब दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। ठहर ठहर ठहर, उधर सामने, चलो।
जाएं कैसे? सुनो बेटो, ओम अल्लाह ईसा मसीह तुम्हारे साथ हैं, उन्हीं का सहारा लो। अंगूठियों की पुली बनाकर यहां से फौरन निकल जाओ। अंगूठी निकालो। मांगता है अब उनके पास ये लॉटरी का टिकट है 5 लाख रुपए का। मांगता है तो लो नहीं तो मारो। खाना खाए तो मार भी खाएगा। क्या क्या बात है जॉन? पिताजी आदमी पैसे नहीं दे रहा, बोल रहा कि दुनिया आज से 20 साल पहले आप आजाद होटल में आए थे तो आपने इसी तरह खाना खाया था और आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। आपने अपना लॉटरी का टिकट बेचा था ना? बेचा तो था। वो टिकट हमने ही खरीदा था। लाओ बेटा टिकट लाओ, ये लो टिकट। भूल कर भी अपना नसीब किसी को बेचना नहीं, समझे? क्या बात है अंकल, क्या हुआ? देखो बेटा, ये आदमी जब भी यहाँ आए इसको आने देना, जो भी खाए खाने देना, इससे कभी कोई पैसा नहीं लेना। इस होटल नसीब में इस गरीब का भी नसीब शामिल है। एवरीथिंग इज फ्री। डांस भी फ्री।